हेलो भाई, मैं हूँ शुभम और आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर भाई आप एक सेकंड हैंड व्हीकल परचेज कर रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आप बात आती है भाई उसकी कंडीशन की। कंडीशन भाई जितना ओनर चला हुआ बता रहा उससे मैच कर रही है या फिर नहीं, अच्छी भी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, उससे ज़्यादा बेकार भी नहीं होनी चाहिए जितना वो चला हुआ है। सबसे बढ़िया बात तो होती है भाई उसकी, अगर आपको चेक करानी तो आप भाई कंपनी में ही चेक करा सकते हो, वो आपको पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार करके दे देंगे कि इसमें कितने पार्ट जेन्युइन है कितने या फिर नहीं है। दूसरी चीज़ आती है भाई आप उसके टायर देख सकते हो, जितनी वो चली हुई है भाई उसके हिसाब से उसके टायर चले हुए हैं या फिर नहीं, अगर ज़्यादा गंजे तो भाई आप लेने से उसे अवॉइड कर सकते हो। अगली चीज आती है भाई उसका इंजन, अगर इंजन भाई उसका ज्यादा अनवांटेड नॉइज कर रहा है, ज्यादा धुआं फैला रहा है, तो भाई अब आप उसे लेने से अवॉइड कर सकते हो। अगली चीज आती है भाई वो कितनी ज्यादा चली हुई है, अगर भाई स्कूटी 80,000 से ऊपर चली हुई है तो आपको लेने से भाई अवॉइड करना चाहिए, और अगर इन चीजों पर स्कूटी आपकी खरी उतरती है तो भाई आप ले सकते हो बेफिक्री होकर।